हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल फैशन टिप्स पे। तो आज आपने थंबनेल देखकर तो समझ ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। तो आज हम सीखेंगे कि किसी ब्लाउज में इस तरह का गला जब दिया रहता है और वो काफ़ी बड़ा होता है और हम अपना डिज़ाइन भी ख़राब नहीं करना चाहते, तो ये देखिए काफ़ी चौड़ाई है इसकी और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। पर अभी हम जो ब्लाउज बनाएंगे उसमें हमें हाइट कम नहीं करनी है, बस चौड़ाई कम करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से चौड़ाई को कम करेंगे। अगर यहाँ पे कोई मोटी लड़की हो और ये गला हम रख दें तो कुछ हद तक ये गला सही भी लगता है, लेकिन अगर पतले लोगों का ये गला हम पूरा का पूरा रख दें तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो देखिए हम किस तरह से गले को छोटा करेंगे। देखिए ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, ये हमारा बैक का डिज़ाइन है, तो इस तरह से हमने अस्तर के कपड़े को काट लिया है और इसे दो टुकड़ा कर देंगे और इसे इस तरह से थोड़ा सा गैप देते हुए जितना हमें पुट रखना है उतना पुट हम डिज़ाइन के पास रखें, डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और देखिए ये हमने डिज़ाइन के ऊपर रख लिया इस तरह से अपना अस्तर का कपड़ा, यानी लाइनिंग वाला कपड़ा। अब देखिए ये जो बीच का कपड़ा है वो हम काट करके निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है बीच से कपड़ा हटा के रखने की वजह से, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कपड़ा ऐड कर लेंगे, वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। अगर कपड़ा यहाँ जॉइंट करेंगे तो उतना ख़राब नहीं लगेगा जितना कि हमारा बीच में बड़ा गला होने की वजह से लगेगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स हमेशा हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कपड़ा काटा था वहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से रख देंगे और रख करके जॉइंट कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही हमने काटा है, जॉइंट करने के बाद जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हम काट करके अलग कर देंगे। अब देखिए बीच से भी कपड़ा काट कर हमने निकाल लिया है। तो अब हम अस्तर वाले कपड़े को हटाते हैं, देखते हैं हमारा गला कितना छोटा हो गया है। देखिए काफ़ी हद तक कम हो गई, कम चौड़ाई हो गई है मेरे गले की। तो ये इस ब्लाउज में मैंने ज़्यादा गला कम नहीं किया है लेकिन पहले से काफ़ी कम है। अब देखिए अगर हम गले की हाइट कम करना चाहते हैं तो इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा हम गला काट सकते हैं, और मतलब हमारा ब्लाउज छोटा ना हो इसलिए हम नीचे से थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हमारे ब्लाउज की लंबाई बनी रहे। तो इसी ट्रिक से आपको जितनी भी गले की चौड़ाई और लंबाई कम करनी है आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये हमारा वो पार्ट है जहाँ हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो इसे हम पहले इस तरह से रखते हुए जॉइंट कर लेंगे। और मैंने इस वीडियो में काज पट्टी और हुक पट्टी लगाना नहीं बताया है, अगर वो आपको सीखनी है तो डबल कटोरी ब्लाउज की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक आप सबको दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमने जॉइंट कर लिया। अब देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से उसको हम काट कर इक्वल कर लेंगे। और देखिए लाइनिंग वाले कपड़े को और डिज़ाइन वाले कपड़े को इस तरह से रख लिया और किनारे किनारे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। बॉल पिन की हेल्प से आप एक दूसरे को इस तरह से अटैच कर लें ताकि कपड़ा हमारा हिले नहीं। इस तरह से डिज़ाइन के बिल्कुल किनारे सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह से दोनों टुकड़ों को इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे और क्वार्टर क्वार्टर इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से बीच का कपड़ा काट करके निकाल देंगे। अब हम थोड़े थोड़े दूर पर इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसमें हम एक चाप सिलाई लगाएंगे, तो चाप सिलाई इस तरह से लगाएंगे जो ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है और जो मार्जिन है हमारी वो अस्तर के नीचे इस तरह से दबनी चाहिए, बिल्कुल किनारे सिलाई लगाएंगे अस्तर पे। तो चलिए मैं सिलाई लगा कर आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो देखिए हमने इस तरह से चाप सिलाई लगा लिया है। अब हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक और चाप सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी बैठ जाए। ये बिल्कुल पेस्टिंग के जैसा बैठता है, तो यहाँ पे हमें पेस्टिंग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट की सिलाई कर लेंगे। चलिए करने के बाद दिखाती हूँ आपको कैसा लगता है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम दोनों पार्ट की सिलाई करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे ब्लाउज का लुक आता है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट की सिलाई लगा ली है और यहाँ पे जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था वहाँ पे हमने जॉइंट कर लिया है, ये मार्जिन में चला जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो हमने कट लगाया था गले को कम करने के लिए, वहाँ पे हमने हुक पट्टी और काज पट्टी लगा ली है ताकि पता ना चले कि हमने यहाँ से कपड़ा काट कर निकाला है और ये पीछे से हुक वाला ब्लाउज बन जाएगा। तो देखिए पहले हमारी गले की चौड़ाई कितनी थी और अब किस तरह से लग रही है। वीडियो यूज़फुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें।